वेलकम बैक टू दी चैनल। सबसे पहला आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपने जितने भी मशीनरी के वीडियोस थे उस सभी में बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम लोग बेसिकली ओपन कास्ट के मशीनरी के ऊपर ही आज हम लोग बात करने वाले, जिस मशीनरी का नाम है हाइवल माइनर। दोस्तों, आज हम लोग इसी हाइवल माइनर के बारे में डील करने वाले और समझेंगे कि हाइवल माइनिंग हमारे ओपन कास्ट माइंस में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, क्या पार्ट्स है, कैसे ये वर्किंग करती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो मेक श्योर, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए हम लोग समझते हैं हाइवल माइनिंग के बारे में। ये जो मशीन आप देख रहे हो, इस मशीन का नाम है हाइवल माइनर। और इस मशीन का बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कैट HW300, इसका मतलब क्या होता है। जो भी कंपनी इस मशीन को मैन्युफैक्चर की है उस कंपनी का नाम है कैट, और HW डिनोट कर रहा है हाइवल माइनर के बारे में, और 300 जो यहाँ पे दिख रहा है 300, उसका मतलब हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये मशीन का नाम है हाइवल माइनर, और इसी मशीन में यहाँ पे जो सामने वाला पोर्शन है, इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं पुश बीम। ये पुश बीम क्या करता है कि माइंस के अंदर में पेनिट्रेट करता है और वहाँ से वो कोयला को निकालता है। तो ये जो पुश बीम का लेंथ है 300, वो बता रहा है कि ये पुश बीम माइंस के अंदर में 300 मीटर तक अंदर जा सकता है और वहाँ से वो कोयला को बाहर निकाल सकता है। बेसिकली HW300 का मतलब यही है कि इस मशीन का जो कैपेसिटी है वो पुश बीम, इस मशीन का जो पुश बीम है वो 300 मीटर तक अंदर जा सकता है और वहाँ से वो कोयला को बाहर निकाल सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर में देखते हैं इसको, और भी अच्छे तरीक़े से हम लोग समझते हैं और इसके पार्ट्स को पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। ये जो मशीन है उस मशीन को हम लोग बेसिकली ट्विन क्रोलर माउंटेड मशीन कहते हैं। चूँकि सामने में एक आपका क्रोलर माउंटेड यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसी प्रकार से एक इस साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा, तो इसीलिए इस मशीन को हम लोग ट्विन क्रोलर माउंटेड के नाम से जानते हैं। और भी अगर हम लोग पार्ट्स के बारे में इसके बात करें तो सामने में आपका ये जो सेक्शन देख रहे हो इसको हम लोग कटर हेड के नाम से जानते हैं। ये जो कटर हेड है वो अप एंड डाउन में मूवमेंट करके वो कोल को कटिंग कर सकता है। इसी कटर हेड के जस्ट ऊपर में यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हम लोग कैनोपी के नाम से जानते हैं, कैनोपी को के नाम से जानते हैं। ये हुआ, और ये जो पार्ट है उसको हम लोग रील एंड केबल के नाम से जानते हैं, रील एंड केबल। और यहाँ पे ये जो पार्ट है वो ऑपरेटर कैबिन हो गया, इसको हम लोग कैब या फिर कैबिन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपने समझा। और भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप हाइड्रोलिक जैक देख रहे हो ये क्या करता है कि मशीन को अप और डाउन करने का काम आता है। जब मशीन को एक जगह पे हम लोग फिक्स कर देते हैं तो बेसिकली उस मशीन को हम लोग को कुछ हाइट तक उठाना पड़ता है, तो ये जो जैक है वो मशीन को अप करने के लिए काम आती है और डाउन करने के लिए काम आता है। और ये जो सेक्शन देख रहे हो ये आपका पुश बीम होता है, यहीं पे पुश बीम को इंसर्ट किया जाता है और यहीं से आपका जो पुश बीम है वो आपका माइंस के अंदर में पेनिट्रेट करेगा। मैं आपको अभी कुछ फर्दर के फिक्चर में भी उसको दिखाऊंगा और वहाँ से आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो पार्ट्स थे वो उसको मैंने समझा दिया है, और अभी हम लोग चलते हैं इस फिगर के ऊपर में और यहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि मशीन ये कैसे वर्क कर पाती है। ओपन कास्ट माइंस में जब डेप्थ अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है तो माइंस को आगे चलाना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। तब माइन का जो हाईवाल से कुछ दूरी तक कोयला हम लोग हाईवाल माइनिंग मेथड से निकालते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में इसमें क्या होता है कि हमारा जब BESR ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, ये जो ये इसको तो पहले ही हमने डील किया हुआ हूँ ओपन कास्ट के लेक्चर में। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको भी समझाने का कोशिश करता हूँ। इस मेथड को हम लोग तभी इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारा BESR रीच कर जाता है, ये अपना लिमिट तक आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग को माइंस को चलाना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है, सपोज़ हम लोग ने जो कोयला निकाला उसका जो खर्च निकालने का वो 500 है,
और जो हमने कोयला को जब निकाला, उसको मार्केट में जब हमने सेल किया, उसका भी जो रिटर्न है वो 500 रुपीज़ आया। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि हम लोग ने कोयला निकाला का खर्च भी 500 और उसको बेच करके भी हम लोग को 500 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा ना ही तो फ़ायदा हुआ, ना ही हमारा लॉस हुआ। हम लोग माइनिंग क्यों करते हैं? हम लोग माइनिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को बेनिफिट हो, इकोनॉमिकली वाइबल हो माइंस, तभी जाके हम लोग करते हैं। वरना हम लोग को तो कोई शौक नहीं है कि 500 का हमारा मार्केट वैल्यू है और वही हमारा रिटर्न भी आ रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग वैसा नहीं करते। हम लोग को चाहिए कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कोयला निकला और जो हमने कोयला बेचा, वो दोनों का वैल्यू सेम है। तो यही आपका BESR होता है, ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। अब इसके आगे अगर हम लोग माइंस को और चला देते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को डेफिनेटली लॉस होने वाला है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारा माइंस का BESR रीच कर जाता है, तो उसके बाद हम लोग को जो भी हम लोग माइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, जो माइनिंग मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं माइंस में, उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग बेनिफिशियली माइंस को चला सकते हैं। तो जब भी हमारा ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो रीच कर जाता है, तो हम लोग को माइनिंग मेथड को चेंज करना होता है और उसके बाद हम लोग हाई वॉल माइनर को लेके आते हैं माइंस में, और इससे हम लोग फर्दर कोल एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि इसमें सामने के पोर्शन में आपका पुश बीम लगा होता है, और पुश बीम के यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको नेक्स्ट फिगर में जब लेके चलूँगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आपका एक कटर हेड लगा होता है, और कटर हेड से ही आपका जो पुश बीम है वो अटैच होता है, और इस पुश बीम में बेसिकली आपका एक कन्वेयर होता है। कन्वेयर जब भी मटेरियल को कटर हेड काटेगी, तो इसी पुश बीम के अंदर में जो कन्वेयर है वो आपका मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे ये था। इसमें क्या होता है कि हम लोग को जो भी हमारा ओपन कास्ट माइंस का जो हाई वाल है, उसके नीचे में हम लोग एक ट्रेंच फॉर्म कर देते हैं। ट्रेंच यानी कि एक रास्ता बना देते हैं। रास्ता बनाने के बाद हम लोग जहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग को कोल सीम मिला, इसके ऊपर में हमारा OB है, तो इस मशीन से क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली जहाँ पे हमारा कोल सीम मिला है वहाँ पे इस मशीन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और यह मशीन के हेल्प से क्या होता है कि आपका जो OB है उसको हम लोग छूते भी नहीं है, और OB के नीचे में जितना भी कोयला है उसको हम लोग इजिली एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। और इस मशीन का एक और फायदा है कि इसमें हम लोग को ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करने का झंझट ही नहीं है। इसमें बेसिकली हम लोग एक पुश बीम होता है, इसी पुश बीम को हम लोग माइंस के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं, और इसी पुश बीम के आगे में आपका कटर हेड लगा होता है। कटर हेड आपका कोल को कटिंग करती है, और पुश बीम के हेल्प से आपका पुश बीम के अंदर में क्या है, कन्वेयर है। तो कन्वेयर क्या करेगा, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम आएगा। तो ये जो चीज़ है वो आपका फर्दर सरफेस में ट्रांसपोर्ट कर देती है। इतना तक आपने समझा? ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग वेब पिलर के नाम से जानते हैं। ये सभी जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है वो उसको हम लोग वेब पिलर कहते हैं। बेसिकली जब ये इस मशीन से एक बार में जब ये मशीन आपका 300 मीटर तक अंदर माइंस में पेनिट्रेट कर लेती है, उसके बाद हम लोग को जो पुश बीम है उसको हम लोग को बाहर निकालना पड़ता है। जब पुश बीम को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर बगल के में जो पिलर है उसमें हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं, और वो फिर आपका माइंस के 300 मीटर तक जा कर के कोयला को काटता हुआ निकलता है। जब 300 मीटर तक रीच करेगा तो फिर हम लोग अगला पोजीशन में जाके इसको इंसर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मशीन है वो ऑपरेट होती है। दोस्तों यहाँ पे आप जो रिलायन केबल देख रहे हो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी हाइड्रोलिक पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, ताकि जो डस्ट का फॉर्मेशन कम से कम हो, और इलेक्ट्रिक पाइपलाइन है, तो ये सभी पाइपलाइन आपका इसी केबल्स के अंदर में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेट लगा हुआ होता है, और प्लेट के अंदर में ही इन सारे केबल्स को फिक्स किया जाता है, ताकि आपका जो भी अगर माइंस में अगर रूफ फॉल हो भी होता है तो ये आपका डैमेज नहीं हो, केबल्स इसका डैमेज नहीं हो। इसीलिए इस मशीन में आपका रील एंड केबल जो है उसको रोबस्ट टाइप का बनाया जाता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अंदर में जो भी मेट
हमने पाइपलाइन जो डाला है, जैसे हाइड्रोलिक पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पाइपलाइन, वो सभी को वो डैमेज होने से बचाता है और यह ऑटोमेटिकली आपका वाइंड होता है और अनवाइंड दोनों चीज़ होता है। जब पुश बीम आपका आगे बढ़ेगा तो यह आपका अनवाइंड होगा और जब यह पुश बीम आपका वापस बाहर आएगा तो उस समय यह वाइंडिंग होगा। यहाँ तक आपने समझा, और नेक्स्ट फिगर में हम लोग चलते हैं और वहाँ पे इसको और भी अच्छा तरीका से समझने का कोशिश करते हैं। ये भी फिगर आपने देखा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक आपका हाइड्रोलिक जैक है, इसी हाइड्रोलिक जैक से के मदद से मशीन को हम लोग अप और डाउन कर सकते हैं। और भी अगर हम लोग इसके नेक्स्ट फिगर के ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो हाई वाल बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हमारा जो ऊपर में जो दिख रहा है यही हमारा हाई वाल है। इस हाई वाल को हम लोग को हटाना नहीं है और इसी सपोज ये हमारा जो माउंटेन है, इस माउंटेन के नीचे में यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि एक कोयला का लेयर है। अब हम लोग को इस कोयला को लेयर को हम लोग को लेना है, तो उस समय हम लोग क्या करें कि ये जो माइंस है यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंच बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे। रास्ता बनाने के बाद इस मशीन को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद मशीन का जो कटर हेड है वो आप देखे हो तो यहाँ से ये आपका घुसा हुआ है माइंस के अंदर में, जहाँ तक हम को कोयला मिला है वो उस लेयर तक घुस गया और वो कटिंग करते हुए आपका सरफेस में ले आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पुश बीम इसका इंसर्ट है, तो ये जो पोर्शन आप देखो तो इसी को हम लोग हाई वाल कहते हैं। इस हाई वाल को यह मशीन बिना डिस्टर्ब किए हुए कोल को, इसके नीचे से कोल को ईजिली एक्सट्रैक्ट आउट कर लेती है। तो ये था। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें और यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये जो पुश बीम है यहीं से पुश बीम को इंसर्ट किया जाता है। पुश बीम कैसे इंसर्ट होता है उसको भी हम आप लोगों को फर्दर दिखाते हैं। नेक्स्ट फिगर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देखो तो ये आपका मशीन का कटर हेड है जो आपका एक एंगल पे ये कुछ डिग्री में आपका अप और डाउन जा सकती है, और कुछ इस ही प्रकार से ये जो मशीन है वो आपका कटिंग कर सकती है। ये जो कटर हेड है वो आपका कुछ ऊपर और कुछ नीचे जा करके आपका जो कोयला का लेयर है उसको वो इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती है। दोस्तों इस फिगर का जो भी पीपीटी मोड है मैंने आपका जो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप इसको और भी बारीकी ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये पुश बीम है। पुश बीम आपका मेनली 6 मीटर का साइज का होता है और एक पुश बीम जब आपका इंसर्ट करते हैं तो फिर दूसरा पुश बीम इसमें इंसर्ट करने के लिए आपका बोल्ट होता है उसमें हम लोग फिक्स कर देते हैं। और ये जो मशीन है, ये जो पुश बीम है वो आपका बैकबोन ऑफ हाई वॉल माइनिंग सिस्टम है, यानी कि पुश बीम के ही हेल्प से सारा कुछ हमारा प्रोसेस होता है। और भी नेक्स्ट हम लोग इसके फिगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका रील एंड चेन है। ये जो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ ताकि और भी आपको क्लियरिटी मिले। तो रोबस्ट रील एंड चेन, ए स्टील आर्मर्ड होस चेन स्टोर्स एंड प्रोटेक्ट ऑल इलेक्ट्रिक पावर केबल्स। जो भी पावर केबल्स होते हैं ये बेसिकली एक प्लेट का फॉर्म होता है, प्लेट के फॉर्म में होता है और इसी प्लेट के नीचे में आपका जो केबल्स है वो फिक्स किया जाता है और उसी प्लेट के में ही आपका मेनली आपका जो केबल्स है वो रहता है, ताकि कोई भी रूफ फॉल हो तो उसको वो डैमेज करने से बचाता है। ये था। और भी अगर हम लोग चीज़ें को बारे में बात करें तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये आपका ऑपरेटर केबिन हो गया, ये आपका रील एंड चेन हो गया, ये आपका कन्वेयर सेगमेंट जिसको हम लोग ने पुश बीम बोला वो है, और ये आपका माइनिंग मशीन हो गया। यहाँ पे आपका कटर हेड दिख रहा है, ये आपका कैनोपी दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, तो आप चाह कर भी जो पीडीएफ है उसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है एक और टॉपिक इसके रिगार्डिंग, वो आता है एंकरिंग सिस्टम। इसको हम लोग समझते हैं कि एंकरिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों जब हम लोग मशीन को, जब एंकरिंग का मतलब क्या है, टू स्टेबलाइज द मशीन। जब भी हम लोग मशीन से पुश बीम को जब माइंस के अंदर में पेनिट्रेट करते हैं तो मशीन में भी एक फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स मशीन को अनस्टेबल कर देती है। ये पूरा ही जब
मशीन एक फोर्स लगा रहा है तो क्या है कि मशीन भी थोड़ा हिल डोल करेगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग एंकरिंग करते हैं। एंकरिंग का मतलब होता है टू स्टेबलाइज द मशीन। इसमें क्या होता है, मशीन में ही एक इम्बिल्ट आपका ओगर टाइप का रड लगा होता है। ये जो ड्रिलिंग रड है वो आपका ओगर टाइप का ड्रिलिंग रड होता है। यही इसी रड से पहले तो जो ग्राउंड है उसमें ड्रिलिंग किया जाता है। जब ड्रिलिंग कर लेते हैं तो बेसिकली एक पिन होता है, उस पिन को हम लोग इसके अंदर में जो ड्रिल होल है उसके अंदर में पेनिट्रेट कर देते हैं और फिर हम लोग ग्राउट कर देते हैं, सीमेंट ग्राउटिंग कर देते हैं, तो ये जाके फिक्स हो जाता है। एक ई साइड करेंगे और कुछ एक वो साइड में करेंगे। तो ये जो ड्रिलिंग लेंथ है वो लगभग आपका 2.4 मीटर तक का हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक पिन डाल देते हैं और पिन डालने के बाद हम लोग ग्राउटिंग कर देते हैं ताकि ये जो मशीन है वो आपका स्टेबल हो। यहाँ पे भी कुछ लिखा है तो मैं इसको भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन इवन अंडर टफेस्ट कंडीशन। जब मशीन आपका वेरी टफ पोजीशन में रहेगा, जब मशीन को अधिक ज़्यादा पुशिंग करना है, पुलिंग करना है, तो उस कंडीशन में मशीन स्टेबल होना चाहिए, इसलिए हम लोग एंकरिंग करते हैं। ये जो टू ड्रिल माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द मशीन, ये जो मशीन के में हम लोग दो ड्रिल करते हैं और ड्रिलिंग का जो लेंथ है वो 2.4 मीटर लगभग आपका 8 फीट तक होता है। उसके बाद जब ड्रिलिंग कर लेते हैं तो हाई स्ट्रेंथ पिन को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं इनटू द ड्रिल होल टू विच स्टेबलाइज द मशीन एंड मेंटेन इट्स एक्यूरेट पोजिशन। तो मशीन का जो पोजिशन है उसको वो चेंज नहीं करता है, एक्यूरेट बनाए हुए रखता है इवन इन द टफ पुशिंग एंड पुलिंग कंडीशन। तो ये आपने समझा कि एंकरिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग और भी इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इस फिगर में आप देखो तो यहाँ पे आपको एक कटर हेड दिख रहा है। ये इस कटर हेड में आपका कटिंग पिक्स, ये सभी जो है वो आपका कटिंग पिक्स लगा होता है। ये भी कुछ आपका अप एंड डाउन के में चलते हुए आपका जो कोल है उसको वो कट कर सकती है। और ये जो मशीन है दोस्तों वो बेसिकली आपका वन इन, ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका 1:10 के ग्रेडियंट पे वर्क कर सकता है। यानी कि जब 1:10 से इसका ग्रेडियंट अधिक होगा, यानी कि 1:9, 1:8, तो ये मशीन उस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मशीन को रन करने के लिए हम लोग को फ्लैट ग्रेडियंट चाहिए होता है, फ्लैट रोडवे चाहिए होता है, तो 1:10 इसका लिमिटिंग ग्रेडियंट है। यहाँ पे भी आप फिगर में देखो तो ये आपका जो कटिंग हेड है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हुआ, और भी चीज़ें हैं मैं आपको और भी क्लियरिटी कर दूं। तो यहाँ पे आप देखो तो एक ये जो आप रेक्टेंगुलर शेप में पिलर्स देख रहे हो इसको हम लोग वेब पिलर कहते हैं। और वेब पिलर के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे ज़्यादा गैप में आपको एक पिलर दिख रहा होगा, इस पिलर को हम लोग बैरियर पिलर के नाम से जानते हैं। वेब पिलर और बैरियर पिलर को हम लोग साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमारा वेब पिलर का साइज और बैरियर पिलर का साइज कितना छोड़ा जाए। ये सभी आपका रूफ का आरएमआर, इसका स्ट्राटा का जो भी कंडीशन है उस पर वो डिपेंड करता है। तो वो सभी स्टडी करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग का माइंस में कितना वेब पिलर छोड़ेंगे, कितना बैरियर पिलर छोड़ेंगे, ये सभी डिसाइड करते हैं। ये हुआ, ये देखिए आपका जो केबल है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, आप चाहे तो इस सेक्शन को पढ़ सकते हो। दोस्तों और भी अगर हम लोग इसके बारे में, इस मशीन के बारे में बात करें तो इस मशीन में आपका जो सेफ्टी के पर्पस से आपका एक स्ट्रॉन्ग कैनोपी लगा होता है, जो आपने देखा कि कटर हेड के जस्ट ऊपर में लगा हुआ होता है ताकि कोई भी बोल्डर्स है वो सभी अगर गिरेगा तो वो स्ट्रॉन्ग कैनोपी उसको प्रोटेक्ट करेगा और हमारा जो मशीन है वो सेफली हम लोग रन करवा सकते हैं। दोस्तों इस मशीन के में जो कटर हेड है उसी कटर हेड में आपका मीथेन सेंसर भी लगा होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडियंस माइंस में वो लिमिटिंग जो है वो 1.25% से अधिक आपका मीथेन नहीं होना चाहिए, तो मीथेन सेंसर आपका इस मशीन के कटर हेड में लगा होता है जो आपको मीथेन
सेंस करके बताते हैं कि आपका कितना परसेंट आपका मीथेन वहाँ पे मिल रहा है। और चूंकि ये प्रीसेट वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए सपोज हम लोग ने इस मीथेन सेंसर में एक फिक्स्ड अमाउंट तक सेट कर लिया, सपोज हम लोग ने 0.7% तक अगर मीथेन रहता है तो फिर ये मशीन आपको वार्न करना शुरू कर देगी, और ये मशीन ऑटोमेटिकली आपका जो रन हो रही है वो जब 0.7% से मीथेन अगर एक्सीड कर जाएगा तो ये मशीन आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, और इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो सभी अपना अपने आप वो कट हो जाएगा। और भी चीज़ है, एक आपका आता है इसी में आपका सेफ्टी फीचर्स के रूप में, एक आता है आपका गामा डिटेक्टर। ये गामा डिटेक्टर क्या करता है कि आपका जो पुश बीम हम लोग ने माइंस के अंदर में भेजा, जिसमें आपका कटर हेड भी लगा हुआ है, तो ये कटर हेड आपका सपोज कि रूफ में कुछ स्टोन है, कुछ रॉक आपका नीचे में है, तो हो सकता है कि ये तो हॉरिजेंटली पूरा ना जा, हो सकता है ये कुछ डाइवर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में तो ये तो हमारा कोयला को काटने के छोड़ के वो तो रॉक को काटने लगेगा, तो उससे बचाव के लिए एक गामा डिटेक्टर होता है, और या फिर आप कह लीजिए एक कैमरा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि आपका जो ऑपरेटर है वो ऊपर में ही देखता है कि हमने जो भेजा है, जो हमारा पुशबी में जो कटर हेड जा रहा है वो एग्जैक्ट हमारा कोयला को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सभी चीज़ों को बचाने के लिए आपका एक गामा डिटेक्टर लगा होता है। ये हुआ। और भी अगर चीज़ का हम लोग बात करें तो इसमें इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, लगभग 6 to 7 मैन पावर पर शिफ्ट में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, और जब मैन पावर कम हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो OMS है, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, वो आपका ज़्यादा इसमें देखने को हम लोग को मिलता है। और यह जो दोस्तों कोयला को कट करती है, इसका कोयला कटिंग करने का जो साइज़ है वो आपका less than 2 cm तक कोयला को यह काटती है, और इसमें जो भी इनिशियल कॉस्ट है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वो ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका प्रोडक्शन हम लोग को मिलता है तो प्रोडक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ये था। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो अभी के टाइम में ये जो मशीन है वो आपका USA और आपका ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से इस मशीन का यूज किया जा रहा है। अभी प्रेजेंटली में इंडिया में आपका मेदापली ओपन कास्ट और आपका रामागुंडम ओपन कास्ट SACL में, SACL का मतलब सिंगरूनी कोलरी कंपनी लिमिटेड, वहाँ पे आपका इस मशीन को यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका शारदा ओपन कास्ट जो आपका SACL में है उसमें भी आपका इस मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, और वहाँ पे भी आपका इस मशीन को यूज किया जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे कि माइंस में, इंडिया में कई माइंस में इस मशीन का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग को उतना OBO हटाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और आज के समय में हम लोग जानते हैं कि लैंड को एक्वायर करने में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो बेसिकली ये सभी चीज़ों को रिड्यूस कर देती है ये जो मशीन है वो। आप देखोगे कि हम लोग को इस मशीन के हेल्प से हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग भी नहीं करते हैं, और सपोज कोई भी हमारा पॉपुलेटेड प्लेस है और उसके नीचे में अगर हम लोग को कोयला मिल जाता है तो इस मशीन के हेल्प से हम लोग बिना इस स्ट्रक्चर को इफेक्ट किए हुए यहाँ का नीचे का कोयला को हम लोग ईजिली ले सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स है इस मशीन के बारे में। तो आपने देखा कि अभी वर्तमान में आपका मेदापली ओपन कास्ट और रामागुंडम ओपन कास्ट जो SACL में है, साथ ही साथ आपका SACL में शारदा ओपन कास्ट में और आपका वेस्ट बोकारो टाटा स्टील, ये सभी माइंस में आपका इस मशीन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और वहाँ पे इस मशीन का यूज़ किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग हाईवॉल माइनर के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यदि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप बेफिक्र होकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।